हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभाज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये पनीर है, ये बिल्कुल फ्रेश पनीर है। इन्हें कट करेंगे। ये थोड़ा सा गीला है तो इसका पानी सुखा लेंगे। एक टॉवेल लिया है मैंने, इस पे पनीर के टुकड़े रख के पानी सुखाएंगे। पनीर में से पानी को ज़रूर पोंछ ले, इससे पनीर हमारे सॉफ्ट बनेंगे और फटेंगे भी नहीं। पनीर को बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो गाइस, मैंने पनीर को टुकड़ों में काट लिया है। अब इन्हें बीच से नाइफ की मदद से स्लाइड करेंगे। गाइस, ये काजू है और ये बादाम है, इन्हें चॉप्ड करेंगे। पनीर के बीच में ड्राई फ्रूट को फिल करेंगे। तो मैंने सारे में ड्राई फ्रूट को फिल कर लिया है। अब बेसन का घोल बनाएंगे। थोड़ी सी सूजी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बेसन का घोल बना लिया है। अब पनीर डीप करके डीप फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसे गरम करके ऑयल ऐड करेंगे। तो गाइस, हमारे पनीर पकौड़े अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें अलट पलट कर अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। आपको मेरी कोई भी रेसिपी सर्च करनी हो तो आप गूगल पे भी इजीली तरीके से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि प्रतिभा सोनी नारियल लड्डू, प्रतिभा सोनी चॉकलेट केक, प्रतिभा सोनी दाल पूरी,
गाइज, मेरी बहुत सी रेसिपी हैं जो आप गूगल पे भी सर्च करके इजी तरीके से देख सकते हैं, और मैंने बहुत ही इजी मेथड बनाया है, तो आप बना सकते हैं। थैंक यू।